हाय एवरीवन, गुड म॑र्निंग. सो इट्स 6th May टुडे और मैं तैयार हो चुकी हूँ. ठीक है, बैग उठा के बस भागना है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए. आज मेरे पास 4 मिनट है. मे भी मैं 4 मिनट ब्रेकफास्ट कर लूँ, कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं. ठीक है, मैं अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ, माई चार्जर्स एंड ऑल. ठीक है, फिर चलते नीचे. बाय. गुड इवनिंग. सो मैं आ चुकी अपने रूम पर वापस अपने कॉलेज से. और सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि मैं जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर ही अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वहाँ पे सारा काम स्टार्ट हो जाता है. वैसे नहीं होगा, अभी तो कंटिन्यू होगा, आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, एनी वेज तो मैं आ चुकी हूँ अभी वापस. यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है. सी वाओ, यहाँ का नज़ारा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. पता है मैंने ये वाला सीन देख कर ही एक्चुअली यहाँ पर रहने के लिए हाँ कहा था. दिस इज़ द मेन व्यू एक्चुअली फ्रॉम दिस बैल्कनी ना. तो एंड तो मैं अभी आ चुकी हूँ अपने रूम पर वापस. कॉलेज में काफ़ी हैक्टिक रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉलेज में फर्स्ट एड वीक चल रहा है, फर्स्ट एड एंड बैंडेजिंग वीक. ठीक है, ट्रेनिंग वीक. तो आज फर्स्ट एड का ट्रेनिंग हुआ था और आज हमने सिखाया था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट एड के मतलब अगर बाई चांस RTA हो जाते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उस कंडीशन में हम किसी भी तरह के पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को हम किस तरह से लिफ्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन लिफ्ट द पेशेंट टू आर बैक और शोल्डर्स, और किस तरह से हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके हम हॉस्पिटल रेफर कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने उसका छोटा छोटा क्लिप भी लिया है. अगर मतलब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल है. ठीक है, यू शुड वॉच इट ऑफकोर्स. ठीक है, only one person should be the leader to command. केवल एक ही इंसान जो है जो कमांड देगा, ये नहीं कि 10 लोग आए हैं वहाँ. इसका हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये है ह्यूमन टच. मैं अभी चेंज कर रही थी, फिर चलते हैं नीचे चाय लेने के लिए. शंपा जी ने चाय बनने के लिए रख दी है और मैं भी चेंज करके फिर चलते हैं नीचे चाय के लिए. बाय. सो गाइज, मैंने चेंज कर लिया है तो अभी चलते हैं नीचे चाय लेने के लिए. और साथ ही मुझे ना बहुत ही भूख लग रही है, मैं सोचा यार मैगी बना लेती हूँ. आज हम बनाने वाले हैं मैगी. ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और चाय के साथ सिर्फ चाय मेरा चाय से मेरी भूख नहीं जाने वाली है. तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं मैगी बना लूँ. तो आज बहुत टाइम के बाद मैगी बनाऊँगी. ठीक है, मेरे पास कढ़ाई नहीं है तो मैं इसी पैन में बनाने वाली हूँ. तो मैं इसी पैन में आज मैगी बनाने वाली हूँ. एक्चुअली मुझे नॉर्मली बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्याज और टमाटर वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, वेजिटेबल्स. ठीक है, कोई वेजीज भी नहीं है. तो देखते हैं हम जैसी भी बनती है. ठीक है, चलते हैं अभी नीचे चाय पानी करने के लिए. मैंने मैगी बनने के लिए रख दी है. वेजीज तो है नहीं, तो मैंने बिना वेजी के ही मैगी बना ली है. तो कुछ इस तरह से हमारी मैगी बन के तैयार हुई है. तो हमारा नाश्ता हो चुका है तैयार, तभी चलते हैं ऊपर.